हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे किसी भी इंडियन बैंक का आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड और ब्रांच कोड, वो भी ऑनलाइन बिना किसी अकाउंट डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप आपका फेवरेट ब्राउज़र ओपन कीजिए, उसके बाद उसमें सर्च कीजिए बैंक्स आईएफएससी कोड। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हूँ, वहाँ पे भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ओपन होने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, तो यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा फाइंड आईएफएससी कोड, उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको इंडिया के सारे बैंकों के नाम मिलेंगे, तो जिस बैंक का आपको आईएफएससी कोड चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैं अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, तो ये रहा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा स्टेट का, तो यहाँ से आप आपका स्टेट सिलेक्ट कीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर से नीचे स्क्रॉल कीजिए और अब यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आप आपका ब्रांच सेलेक्ट कीजिए। तो फिर से नीचे स्क्रॉल कीजिए और ये रहा फ्रेंड्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड और उसका ब्रांच कोड। अगर आप और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बैंक का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी होंगी तो लाइक कीजिए और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर।